सारे आदमी दोनों हाथ उठा के नारा लगाना, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। सबसे पहले माननीय सांसद सुशील गुप्ता जी, कुलदीप कौशिक जी, वीणा वशिष्ठ जी और पूरी की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप। देखो जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में किस किस के रिश्तेदार हैं हाथ उठा के बताइए। ये बारे सबके रिश्तेदार हैं। अब दिल्ली में अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछना, आप लोगों को जो दिल्ली में काम किए हैं गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए 200 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री शुरू कर दी है। यहां 200 यूनिट का कितना बिल आता है पता आपको? कम से कम 1500 रुपए। पानी 20,000 लीटर फ्री। सारे सरकारी स्कूल बढ़िया बना दिए ताकि कोई गरीब का बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ सके। स्विमिंग पूल सरकारी स्कूलों में बना दिए। कोई बीमार हो जाता है, अगर कोई बीमार होता है तो उसका पूरा का पूरा फ्री इलाज कर रखा है। दिल्ली तो नजदीक आपके बिल्कुल आसपास है। तो अब आप लोगों को ये बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज लगा के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज नहीं आई जी, ऐसे तो नहीं मिल सकते। बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल दिल्ली जैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ऐसे बात बनेगी। देखो अभी चुनाव आने वाला है, आप लोगों ने सारी पार्टी देख ली, बीजेपी भी जिता के देख ली, कांग्रेस भी जिता के देख ली। अब की बार झाड़ू चलाना है बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर। आप लोगों को चला दोगे? चला दोगे नहीं चला दोगे? एक परिवार का 10,000 रुपए बचता है दिल्ली का। दिल्ली में जो परिवार रह रहा है उसके 10,000 रुपए बचते हैं। बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ फ्री है वहां पे। और महिलाओं के लिए अब TTC फ्री कर दी। तो ये आम आदमी की सरकार है। आप लोगों को ताकत लगानी पड़ेगी, आप लोगों को मजबूत करना पड़ेगा अपने आप को। हमारे पार्टी में वीणा वशिष्ठ जी मेहनत कर रही है, आप लोग इनके साथ हो नहीं हो? हाथ उठा के बताओ एक बार, सारे हो? तन मन धन से साथ दोगे? पक्की बात है, अगर आप लोग साथ दोगे तो हम फिर पार्टी को ये कहेंगे कि जो हमारे कार्यकर्ता, जो मजबूत कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं तो उनको तिगाव से चुनाव लड़वाएंगे जी। आपको बताऊंगा, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। हम पार्टी को सिफारिश कर सकते हैं, पार्टी को सिफारिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। साथ दे दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा कि हरियाणा के सहप्रभारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली से सांसद और पूरे हरियाणा में आप व्यापारी संगठन को खड़ा करके प्रत्येक जिले में जाके आम आदमी की जन समस्याओं को सुनकर आपके बीच आ जाए हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मंच पर बैठे हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई नवीन जैन जी, भाई अमन जी, वीना वशिष्ठ जी, कुलदीप कौशिक जी, हरेंद्र भाटी जी, सभी मंच पर जितने भी हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं और मंच के सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार हाथ जोड़ के।
आम आदमी पार्टी हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही है। उसी क्रम में आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन वीना वशिष्ठ जी ने बुलाया और ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र से इनको आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए। आम आदमी पार्टी जाके कार्यकर्ताओं से पूछती है, जितने भी उम्मीदवार लाइन में हैं, उन सब का साक्षात्कार लेती है, फिर जाके उस क्षेत्र के लोगों से पूछती है, फिर अपना इंटरनल सर्वे करा के कैंडिडेट को फाइनल करती है। आज उस क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा का विकास हो, जिस प्रकार बेहतर शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था हमने दिल्ली के अंदर की है, वही शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर हो। जिस प्रकार 200 यूनिट बिजली की फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री और सबसे सस्ता बिजली और पानी पूरे हिंदुस्तान से सस्ता हम दिल्ली के अंदर दे रहे हैं, वही सुविधाएं हरियाणा के अंदर भी हो। जिस प्रकार मिनिमम वेजेस 14,000 रुपए डीसी रेट हम दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो हरियाणा के अंदर भी हो। जवान कहीं शहादत देता है तो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि उसके परिवार को हम दिल्ली में देते हैं, हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी दी जाए। किसान को हम 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर फसल खराबी का मुआवजा देते हैं और 2600 रुपए हमने गेहूं का रेट खरीद का फिक्स किया है। हम ये चाहते हैं सभी जो दिल्ली के अंदर हमने विकास किए हैं वो सब हम हरियाणा के अंदर भी करें। हरियाणा में हम चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तित हो। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत कम समय के अंदर दिल्ली के अंदर व्यवस्था को परिवर्तित किया है। आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, परंतु आज भी हरियाणा के अंदर अनेकों सरकारें आई, अनेकों पार्टियों का राज आया, लगभग सभी का आया, हरियाणा का विकास नहीं कर पाए। फरीदाबाद जो सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र था, सबसे बढ़िया जिला हिंदुस्तान हरियाणा के अंदर फरीदाबाद माना जाता था, आज सबसे पिछड़े जिलों के अंदर ये शामिल हो गया है। फरीदाबाद का रेवेन्यू इकट्ठा होकर दूसरी जगह पे जाके लगता है, यहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती। हम चाहते हैं कि फरीदाबाद का विकास हो, समूचे हरियाणा का हम संतुलित विकास करें। उस क्रम के अंदर आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं, आम आदमी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जो झाड़ू सदियों से घर के अंदर सफाई करती आई है, जिस झाड़ू से मार मार के दिल्ली के अंदर हमने भ्रष्टाचार की सफाई की है, जिस झाड़ू से के बल पर हमने स्कूलों की दशा सुधारी है, सरकारी हॉस्पिटलों की दशा सुधारी है, हमने नौजवान बच्चों को रोजगार दिया है, एक ईमानदार सरकार चुनी है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के नागरिकों को भी हम वर्ल्ड क्लास नागरिक बनाएं, हरियाणा के अंदर भी वो सभी सुविधाएं हो जो दिल्ली के अंदर हम दे रहे हैं। दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा है, हरियाणा वासियों ने दिल्ली के अंदर वो सुविधाएं जरूर देखी होंगी, उनके विषय में सुना होगा। आपके जानने वाले, पहचानने वाले, मित्र, रिश्तेदार, बहुत से लोग दिल्ली के अंदर रहते होंगे, आप उनसे पूछे कि केजरीवाल सरकार ने आम व्यक्ति के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया है। पहली बार इस देश के अंदर विकास का मतलब मानवता का विकास, मनुष्य का विकास, मनुष्य की शिक्षा, उसकी चिकित्सा, सस्ती बिजली पानी, बढ़िया भोजन, शुद्ध वातावरण, बढ़िया प्रति व्यक्ति आय और प्राकृतिक संसाधनों को बचा के अगली पीढ़ी के लिए रखना, इन सब कार्यों के अंदर केजरीवाल जी ने एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है। आज दिल्ली के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है, डेंगू मुक्त दिल्ली,
पिछले 4 साल के अंदर हमने हर साल डेंगू को वहां पे कम किया, 80% केसेस कम हुए। और इस वर्ष दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम डेंगू मुक्त दिल्ली बनाएंगे। हरियाणा सरकार भी को भी ऐसे अभियान चलाने चाहिए। जिस प्रकार केजरीवाल जी आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, इनोवेटिव आइडियाज निकालते हैं और बढ़िया से बढ़िया योजनाएं, जैसे महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में उनकी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाए, वो बराबर का काम के अंदर भाग ले सके आधी आबादी। अभी दिल्ली के अंदर 30% से कम महिलाएं काम करती हैं, बसों में चलती हैं, काम तो 20% से कम करती हैं। हरियाणा में 10% से कम महिलाएं काम करती हैं और बराबर के ट्रांसपोर्ट में कम चलती हैं। दिल्ली सरकार ने अपने सारे यातायात DTC के महिलाओं के लिए फ्री कर दिए, मेट्रो को भी फ्री करने जा रहे हैं, ताकि इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो इस आधी आबादी को कदम से कदम मिला के चलना होगा। घर की कमाई के अंदर बराबर का हिस्सा, समाज के अंदर बराबर का हिस्सा, राजनीति के अंदर बराबर का हिस्सा, सरकार के अंदर बराबर का हिस्सा, यह दिल्ली सरकार चाहती है। आप सब निवेदन करने के लिए आए हैं, इस विधानसभा से हम जिसको भी चुने, इस विधानसभा के अंदर पूर्वांचल की पॉपुलेशन भी काफी है। हमने ये भी तय किया कि इस दफा फरीदाबाद से पूरी इस लोकसभा क्षेत्र से हम एक टिकट पूर्वांचली भाइयों को भी देंगे, ताकि उनकी भागीदारी भी सत्ता के अंदर बने। पहली बार आम आदमी पार्टी ऐसा स्टेप उठा रही है। मजबूत कार्यकर्ता हमारे साथ हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी कभी धर्म, जाति, क्षेत्रीय राजनीति पर विश्वास नहीं करती, परंतु आम आदमी पार्टी सबको बराबर का मौका मिले इस बात में विश्वास करती है। आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती जिस प्रकार BJP करती है, परंतु आम आदमी पार्टी ये जरूर चाहती है कि हर धर्म का सम्मान हो, हर जाति का सम्मान हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब बराबर हैं। इस हिंदुस्तान के विकास के अंदर बराबर की भागीदारी हमारी होनी चाहिए। इस हिंदुस्तान के रिसोर्सेज के अंदर हम बराबर के भागीदार हैं। आम आदमी पार्टी इस सिद्धांत पर चल रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आप झाड़ू के बटन को दबाएं और एक ईमानदार सरकार को लेकर आए, एक ऐसी सरकार को लेकर आए जिस प्रकार दिल्ली विकसित की है उस प्रकार हरियाणा को भी विकसित कर सके। जय हिंद, जय भारत।